सेंटारो में आपका स्वागत है। तो इस 8th एपिसोड में हम आज बात करेंगे ओशो सेंटारो के 8th कार्ड के बारे में, जो कि है द कार्ड ऑफ अवेयरनेस। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे राइडर वेट टैरो कार्ड के बारे में, जो है द कार्ड ऑफ द चैरियट। तो पहले तो थोड़ा चैरियट को समझ लें। चैरियट अपने आप में कार्ड है विल पावर का। चैरियट अगर आपके लिए आता है तो चैरियट आपको मैसेज देता है वो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास एक स्टेबिलिटी है, एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है, और उसके बेसिस पे आप जो भी चाहेंगे अपनी लाइफ में इस आउटर वर्ल्ड में वो सब कुछ अचीव हो जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं चैरियट के आगे जो है एक ब्लैक फिनिक्स है और एक वाइट, जो कि सिंबोलिज्म है कि दैट चैरियट इज इन टच विद द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो दोनों शक्तियां कहीं ना कहीं जो है अवेलेबल है इस व्यक्ति के लिए, और इन्हीं शक्तियों को इस्तेमाल करके वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। अब बात करते हैं द कार्ड ऑफ अवेयरनेस, जो कि ओशो ज़ेन टैरो का कार्ड है। ओशो ज़ेन टैरो का द कार्ड ऑफ अवेयरनेस इज वेरी ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब ये कार्ड आप जब पिक करो ओशो ज़ेन टैरो में, तो उसका ये मतलब है कि आपका जो इल्यूजन है, जो आपकी तृष्णा है, जो माया है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से अब जा रही। दैट मींस द बुद्धा व्हिच इज इनसाइड ऑफ यू हैज स्टार्टेड कमिंग आउट, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइन है। दैट मींस अ साइन ऑफ यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर इन योर लाइफ, कि आप अपनी लाइफ में बहुत अवेयर और कॉन्शियस हो रहे हैं, जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत ब्यूटीफुल। जब तक की माया और तृष्णा रहती है, तब तक जो है आप जो है जीवन के असली रूप को नहीं देख सकते, जीवन की असलियत के साथ जो है टच में नहीं आ सकते। जब इल्यूजन आपकी लाइफ से जाने लग जाता तो आपको अवेयरनेस का गिफ्ट मिलता है, जो कि आपको रियलिटी के साथ जोड़ता है, जो कि आपको सच्चाई के साथ जोड़ता है। और अवेयरनेस की जो फायर है वो बहुत ही एक साइलेंट और कूल फायर अपने आप, क्योंकि वो ऐसे जलती है कि वो किसी को जलाती नहीं है बल्कि वो जगाती है। पर अवेयरनेस की फायर जो है आपकी माया और तृष्णा को जो है धीरे धीरे पूरी तरह से भस्म कर देती है, जिसके कारण आप अपने असली स्वभाव के साथ जुड़ पाते हैं। दैट यू स्टार्ट गेटिंग इन टच विद योर ओरिजिनल फेस, और आप अवेयर होना शुरू हो जाते हैं चीज़ों के लिए, अपने प्रति और अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति, हर चीज़ के लिए धीरे धीरे आप कॉन्शियस होने लग जाते हैं, अवेयर होने लग जाते हैं। दैट इज द गिफ्ट ऑफ अवेयरनेस विच कम्स थ्रू मेडिटेशन। और जैसे जैसे आपकी ये जो पर्दा है, ये जो आपकी आंखों के आगे पड़ा हुआ है, जैसे जैसे ये जलना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे ही जो है आपके भीतर का जो बुद्ध है वो प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो इस कार्ड का गहरा मैसेज यही है कि आपके भीतर बैठा हुआ वो जो साक्षी भाव है, आपके भीतर बैठा हुआ जो वो विटनेस है, कि आप उसके प्रति अवेयर होना शुरू हो जाइए, कि आप उसके प्रति जो है ध्यानपूर्वक जो है उसको देखना शुरू करिए। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये साक्षी भाव बढ़ेगा, आप रियलाइज करना लगेंगे कि देयर इज अ गैप बिटवीन यू एंड योर माइंड, बिटवीन यू एंड योर थॉट्स, बिटवीन यू एंड योर बॉडी। दिस गैप स्टार्ट्स इंक्रीजिंग मोर एंड मोर एंड मोर एज यू मेडिटेट, और यही गैप जो है आपको अपने असली चेहरे से मिलने के लिए सहायक होगा। और ओशो इस कार्ड के बारे में कहते हैं कि नो माइंड जो है वो इंटेलिजेंट है, और जो माइंड है वो इंटेलिजेंट नहीं। तो थोड़ा सा जो है ये अजीब से लगेगी ये बात सुनने में, लेकिन जब ओशो नो माइंड की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं ध्यान की स्थिति की। वो बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी ध्यान की स्थिति जो है गहरी होती है, वैसे वैसे आप एक नो माइंड में प्रवेश कर जाते हैं। और माइंड वो किसको कह रहे हैं? माइंड कह रहे हैं कि जो कंडीशनिंग जो आपके भीतर बैठी हुई है, जो सोसाइटी, जो थॉट, जो एजुकेशन, जो भी आपने इस माइंड के अंदर भरा हुआ है, उसको वो माइंड कह रहे हैं। और जो रियल स्थिति जो बनती है मेडिटेशन की, वो स्थिति है जब आप जो है एक नो माइंड की स्टेट में एंटर कर गए, जहाँ पे आपने एक गैप क्रिएट कर लिया, वेयर यू हैव क्रिएटेड अ गैप बिटवीन योर माइंड and that is what he is calling the no mind. और उस no mind की जो stage है वो एक it's a very beautiful and intelligent stage, because you start seeing things with clarity, you start becoming more and more aware. हमारा जो mind है, हमारा जो मन है, वो या तो ज़्यादातर जो है वो past में रहता है, या फिर वो जो है future की planning करता है. There is a lot of burden which our mind is carrying all the time. कि हमारा जो मन है वो हमेशा एक तरह का एक भारीपन उसके अंदर जो है वो रहता है, और उसके पीछे कारण यही है क्योंकि इतना ज्यादा जो है जो पास्ट और फ्यूचर का जो थॉट्स है वो माइंड के ऊपर जो है कहीं ना कहीं सवार है, जिसके कारण आप बहुत ही एक लिमिटेड वे से फंक्शन कर पाते हैं। आपका जो जीवन की जो ज्योति है वो बहुत ही धीमी धीमी जलती है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने पास्ट के साथ मुक्त होते हैं और अपने फ्यूचर के साथ एक कनेक्शन जो है तोड़ते हैं, उसी वक्त आपकी जो सारी अवेयरनेस और आपकी जो एनर्जीज है जो स्कैटर्ड है, वो सारी की सारी आपके तरफ वापस आनी शुरू होती है। और उस वापस आने के कारण जो है आप देखोगे कि आपका जो जीवन की जो ज्योति है वो भभक के जल पड़ी,
उसके अंदर जो है जान आ गई, उसके अंदर एक अवेयरनेस आ गई। सो अवेयरनेस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आर लाइफ। अगर हम कंपेयर करें द कार्ड ऑफ द चैरियट के साथ, तो कार्ड ऑफ चैरियट के अंदर वो आदमी जो है वो सब कुछ अचीव कर रहा है जो बाहर की दुनिया में वो अचीव करना चाहता है। लेकिन जब हम इस ओशो ज़ेन टैरो की बात कर रहे हैं, द कार्ड ऑफ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, वहां पे जो है एक बार आप अपनी अवेयरनेस के टच में आ जाते हैं तो जो भीतर के जगत में जो भी मिल सकता है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। आपकी ध्यान में गति होने लग जाती है, आप जो है एक बेहतर इंसान बन जाते हैं, आप ज्यादा खुश रहने लगे, आप ज्यादा मस्त रहने लगे। दिस इज व्हाट द मैजिक ऑफ अवेयरनेस इज। तो ध्यान एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे जो है आप मन से जो है एक डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, आप जो है एक नो माइंड की स्थिति में जो है प्रवेश करते हैं। और ये स्थिति जितनी ज्यादा रहती है उतनी ज्यादा आपको लाइफ में क्लैरिटी रहती है, उतनी ज्यादा चीजें साफ होती हैं और आप अपने स्वभाव के साथ जुड़ पाते हैं, सच्चाई के साथ जुड़ पाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि जस्ट वॉच एंड जस्ट वॉच एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाटएवर इट इज। बुद्ध कहते हैं कि जो भी आप देख सको अपने भीतर बाहर एवरीथिंग अराउंड, जस्ट स्टार्ट बीइंग कॉन्शियस ऑफ इट, जस्ट स्टार्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। और वॉच क्या वॉच करना है? एवरीथिंग। वॉच योर बॉडी, वॉच योर थॉट्स, वॉच एवरीथिंग अराउंड यू। हर चीज के लिए जो है आप अवेयर हो गए हैं, हर चीज के लिए आप कॉन्शियस हो गए हैं। उस अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, उस अवेयरनेस का जो दिया है उसको अच्छे से जलने दीजिए। तो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसके अंदर जो है एक हल्का सा जो है ना एक हर वक्त एक अवेयरनेस आपके भीतर रहे कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ भी काम जो भी हो वो बेहोशी में ना हो। आप शराब भी पिए तो उसके अंदर जो है एक अवेयरनेस रहे। आप कुछ भी करें उसके अंदर एक अवेयरनेस का एक दिया जलता रहे। एंड यू विल सी दैट यू विल स्टार्ट डिस्कवरिंग अ न्यू सेल्फ इनसाइड ऑफ यू। और अवेयरनेस के साथ जो है आप धीरे धीरे और शांत होने लगेंगे और आप ये देखेंगे कि आपके मन की एक आदत है कि वो हर चीज़ में इंटरफेयर करना चाहता है, हर चीज़ में उसको डिफाइन करना चाहता है, हर चीज़ को डेफिनेशन देना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल ये मूर्ति एक सामने पड़ी हुई है तो उस मूर्ति को जो है वो एक डेफिनेशन देना चाहता है। वो इसको ये बोलना चाहता है कि ये बुद्ध है, ये बुद्ध की मूर्ति है। तो वट एवर द डेफिनेशन इज, मन का काम क्या है? मन यही कर रहा है कि मन इज ट्राइंग टू गिव अ डेफिनेशन टू यू, बट दैट इज वॉट यू हैव टू अवॉइड। जब हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सब चीज़ें जो है सिर्फ जैसी दिख रही हैं वैसे देखना है। नाउ जब आप अवेयरनेस के साथ जब आप इस मूर्ति को देखेंगे विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट थिंकिंग ये किसकी मूर्ति है, क्या है, जस्ट वॉचिंग इट, आप देखेंगे कि इस मूर्ति को देखते 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 जो है ना आप शांत होने लगेंगे। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है कि बुद्ध की मूर्ति है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है कि ये किस चीज़ की बनी है। वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज कि आप सिर्फ देख सकें। देखते 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 जो आपका मेडिटेशन का जो फूल है वो खिलना शुरू हो जाता है, अवेयरनेस जो है आपके अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अवेयरनेस आपको जो है एक क्लीन एनर्जी देती है, इट मेक्स यू मोर अलाइव, इट मेक थिंग्स क्लियर फॉर यू, मेक्स यू यंगर फ्रॉम इनसाइड। और पर्पस यही है कि जो लाइफ का जो दिया है जो आपके भीतर है वो अच्छे से जले, वो मशाल की तरह जले, ऐसे मध्यम मध्यम सा जले, थोड़ा थोड़ा सा जले, उसमें लाइफ का क्या आपको जो है आनंद आएगा, क्या उसके अंदर जो है आप जी पाएंगे। जब आपके जीवन की ज्योति जो है एक मशाल की तरह जलेगी, एक एक बड़ी आग की तरह जलेगी, आप देखेंगे द एवरीथिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल चेंज फॉर यू, एवरीथिंग विल बिकम सो ब्यूटिफुल। तो जो गहरा मैसेज है इस कार्ड का, अनलीश द बुद्धा विद इन यू, जो आपके भीतर बैठा हुआ जो बुद्ध है उसको आप अनलीश करिए। तो अवेयरनेस कार्ड का एक बहुत ब्यूटिफुल मैसेज जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये कि स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर थॉट्स, अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू। कि एक वो जो साक्षी भाव है, जो विटनेसिंग का जो एक भाव है आपके भीतर, उसको जो है गहरा होने दीजिए। देयर इज समथिंग इनसाइड ऑफ यू व्हिच इज ऑलवेज वॉचिंग। आपके भीतर कोई बैठा है जो हर वक्त देख रहा है और वो कोई देखने की क्वालिटी ऐसी नहीं है कि आप कर रहे हैं, वो हो रही है, इट इज जस्ट हैपनिंग। वो जो देखने वाला है उसके साथ थोड़ा सा जुड़ना शुरू करिए तो आप देखेंगे कि एवरीथिंग विल स्टार्ट चेंजिंग, एवरीथिंग विल बिकम ब्यूटीफुल इन योर लाइफ। सो दिस वाज माय इंटरप्रिटेशन फॉर यू फॉर द कार्ड ऑफ अवेयरनेस एंड आई विश दैट दिस फ्लावर ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो हैपन्स इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।